आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ में बने 3 मंजिला अवैध मकान पर चला बाबा का बुलडोजर। एलडीए ने 3 मंजिला आलीशान इमारत को किया ध्वस्त। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने केंद्र व्यवस्थापकों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। कहा, नकल कराते वक्त पकड़े जाने पर केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। एंटी रोमियो की टीम एक बार फिर जिले में हुई एक्टिव। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पहुंचकर महिलाओं को परेशान करने वाले शोहदों को सिखा रही है सबक। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। ऐसे स्थान जहां पर महिलाओं को कोई युवक कोई व्यक्ति परेशान करते हैं या किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो वो उपलब्ध करवाए, और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए, यह उद्देश्य है। और प्रतिदिन मंदिर मॉल स्कूल कॉलेजेस या सार्वजनिक स्थान जहां पर महिलाओं का आवागमन होता है वहां पर सादे वस्त्रों में कैमरे के साथ में ये टीम जाती है और ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करती है, उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाती है जो कि असामाजिक तत्व महिलाओं को परेशान करते हैं या बालिकाओं का उत्पीड़न करते हैं। वासंतिक चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में हुआ मां ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा व पाठ। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने किया मां ब्रह्मचारिणी की आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महिला थाने पर स्थित परिवार परामर्श केंद्र का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं से संबंधित मामलों का परिवार परामर्श केंद्र पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर काउंसलिंग करके किया जाएगा समाधान। के तत्वावधान में पुलिस लाइन के सभागार में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शिविर में पहुंचकर कराया निशुल्क जांच। और चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर किए मां के दर्शन।